बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो मुकाबला अब तक देखने को हमें मिला, हर तरफ स्ट्राइकर्स दो दो हाथ कर रही हैं इस बड़े मुकाबले में मीर्स रॉयल स्ट्राइकर्स के साथ। 93 रन टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर, 15.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है और गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी तो ज़रूर है पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 99 हुआ अब टीम का स्कोर, 25 रन चाहिए जीतने के लिए। 27 गेंदें बची हुई हैं जो रिकॉर्ड रन रेट हैं 5.56 के। टॉस जीतकर बैटिंग करने का जो फैसला किया यहां हार्थरेट स्ट्राइकर्स ने, उन्होंने लक्ष्य दिया चेज करने के लिए। 124 रनों का 123 रन बनाए थे हार्थरेट स्ट्राइकर्स ने। इस ओवर में अगली बार मिडल स्टंप की सीध में गेंद पिच हुई, बैक फुट पर सरकते हुए चले गए, जगह बनाई स्ट्रोक खेलने के लिए, वापस जाना पड़ा। रन के लिए दौड़ पड़े थे, कवर की ओर गेंद गई, उस ओर खिलाड़ी थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। बिलाल स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं शफी। यहाँ ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज। 6 रन अप के साथ इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेला मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। ऑन साइड में ये स्ट्रोक लिया बिलाल ने, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। इस छक्के के साथ लगातार इस ओवर में ये दूसरा छक्का, अब केवल 19 रन चाहिए जीतने के लिए। 25 गेंदें बची हुई हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम पर ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अंतम स्पोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार पापोर, फैशन फीस्टा, आर्को फेनेस्ट्रेशन, जिनके सहयोग से, जिनके ताउन से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज फिर से ऑप्शन से बाहर, स्ट्रोक खेलने के लिए गए, गेंद हवा में चली गई, उस ओर दो खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्होंने कोशिश तो जरूर की थी पर कैच छूटा और बिलाल को 1 रन मिला। टीम के खाते में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन की बदौलत अब 106 हुआ टीम का स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर, 18 रन चाहिए जीतने के लिए। 24 गेंदें बची हुई हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं और वानी परवेज मैच का आनंद ले रहे हैं मंसूर भट्ट के साथ। लोन मारू भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। इस मैच की लाइव कवरेज लेकर हम आपकी खिदमत में जो हाजिर हुए झील ग्राउंड भुनीचकल बालीहरण से, स्कोर 106, 5 झटके लगे, 16 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, 18 रन चाहिए जीतने के लिए, 24 गेंदें बची हुई है। देखना होगा किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा। ऐसा लग रहा है बाबर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, बिल्कुल बाबर को ही तलब किया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है। बाबर कमेंट्री बॉक्स छोड़ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और ऐसे में बल्लेबाज जो स्ट्राइक पे हैं शफी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बिलाल मीर, हालांकि बिलाल मीर स्ट्राइक पे रहेंगे, शफी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। रॉयल स्ट्राइकर्स को लक्ष्य मिला चेज करने के लिए 125 रनों का ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अंतम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पापोर, आर्को फेनेस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज, जिनके ताउन से, जिनके सहयोग से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। जाहिद बाबा नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिद बाबा जो टीम के कप्तान हैं वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। बिलाल वो स्ट्राइक पे रहेंगे, शफी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। विकेट कीपर स्टंप से काफ़ी दूर खड़े हुए हैं। हार्थरेट स्ट्राइकर्स दो दो हाथ कर रही हैं यहाँ मीर्स रॉयल स्ट्राइकर्स के साथ। डीप थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी हैं, पॉइंट का जो इलाका है वहाँ दायरे के अंदर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और स्वीपर कवर के आसपास एक खिलाड़ी हैं, शॉर्ट कवर लगाया गया है, लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी, थोड़ा सा वाइडिश, ये फील्ड प्लेसमेंट है ऑफ साइड में, ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है और सुकर लेग पे एक खिलाड़ी। 6-3 की फील्ड के साथ बाबर अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिद खान उर्फ बाबर जो गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोड़ से, अब तक अगर देखा जाए 2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की, 3 रन हालांकि सिर्फ उन्होंने खर्च किए, एक सफलता अर्जित की। देखना होगा इस ओवर में वो क्या कर पाएंगे। जाहिद की गेंद, बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टप्पा खाया, ऑन साइड में स्ट्रोक लेने की कोशिश तो की गई, बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। अभी भी चाहिए जीतने के लिए 18 और 23 गेंदें बची हुई हैं। मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ,
और कवर लगाया गया है, पॉइंट पे एक खिलाड़ी है, स्लिप कॉर्न में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया और स्लिप कॉर्न में जो खिलाड़ी हैं लगातार वो विकेट कीपर के साथ बातचीत कर रहे हैं। बिलाल बल्ला हवा में झूलता हुआ सामना करेंगे जाहिद का, जाहिद की गेंद बिलाल को बैकफुट पर सरकते हुए चले गए, स्ट्रोक लिया ऑफ साइड में कवर की ओर, उस ओर खिलाड़ी पूछे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके रन आउट करने की कोशिश जो की बेकार साबित हुई, सीधा थ्रो स्टंप पर नहीं लगा, एक रन खाते में इस एक रन की बदौलत है। बिलाल अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं, शफी हैं स्ट्राइक पर, मैच एक रोमांचक मोड लेता हुआ, अब चाहिए जीतने के लिए 17 रन, 22 गेंदें बची हुई हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। डीप थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी हैं, पॉइंट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी हैं, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, ऑन ड्राइव के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में गई, उस ओर खिलाड़ी पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया एक रन खाते में, इस एक रन की सहायता से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अब नजर आ रहे हैं शफी। बिलाल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज बिलाल, 16 रन चाहिए जीतने के लिए, 21 गेंदें बची हुई है, मेरे स्कोरर शुभ यासीन बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद और बैकफुट पर सरकते हुए चले गए, जगह बनाई स्ट्रोक खेलने के लिए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। जाहिद कमेंट्री बॉक्स छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, स्लिप कॉर्न में एक खिलाड़ी हैं, डीप थर्ड मैन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे वहां एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, पॉइंट के आसपास एक खिलाड़ी हैं, जबकि बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर, कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन स्ट्रोक कवर की ओर खेला गया, उस ओर खिलाड़ी इशफाक तैनात, इशफाक ने शानदार फील्ड का मुजाहरा किया, हवा में झूलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर तो जाने नहीं दिया, पर बल्लेबाजों को छोड़ बदलने का समय मिला एक रन खाते में, इस एक रन की बदौलत टीम के स्कोर में एक रन का इजाफा, अब जाके टीम का स्कोर हुआ 109, 5 विकेटों के नुकसान पर, 15 चाहिए जीतने के लिए, 19 गेंदें बची हुई हैं, कदमों का इस्तेमाल पहले किया था, स्ट्रोक लेने की कोशिश की और इस बार डॉट गेंद के साथ पारी का ये ओवर समाप्त हुआ, अब 18 गेंदें बची हुई हैं और जीतने के लिए रन जो चाहिए 15 रन। मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ, टीम के कप्तान जाहिद बाबर, उन्होंने इशारा किया लॉन्ग ऑन की ओर, जो तैनात खिलाड़ी है उनकी ओर, शाहिद सलमान, शाहिद सलमान गेंदबाजी करने के लिए उन्हें तलब किया गया, 109 हुआ टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। यहां से जीत किसकी होगी, दर्शकों की एक बड़ी तादाद यहां इस मैदान में मौजूद है जो मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। 109 5 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 15 रन चाहिए जीतने के लिए, 18 गेंदें बची हुई है और जो दरकार औसत है 5 की, कोई डराने वाली औसत तो नहीं है, एक दायरा बनाया यहाँ हाथरस स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों ने और ऐसे में बातचीत हो रही है। शाहिद सलमान कुछ बातचीत कर रहे हैं इस टीम के जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं आदि, उसके साथ बातचीत में है हाथरस स्ट्राइकर्स का जो खेमा है परेशान नजर आ रहा है, एक अवसर बना था कैच करने का कवर के क्षेत्र में, तब जाके कैच छूटा, उसके बाद दो छक्के लगाए यहाँ बल्लेबाज बिलाल ने और बिलाल के पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की, ऐसे में वो तो यहाँ चाहेंगे कि इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, दूसरी तरफ देखा जाए हाथरस स्ट्राइकर्स के जो गेंदबाज हैं वो कतन ऐसा नहीं चाहेंगे, गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया, शाहिद सलमान गेंदबाजी करने की तैयारी में, वो दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे, बिलाल स्ट्राइक पे, शफी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, हाथरस स्ट्राइकर्स ने केवल 123 रन बनाए थे, हालांकि 124 चाहिए जीतने के लिए, उसके जवाब में 109 अब तक टीम का स्कोर, 15 रन चाहिए जीतने के लिए, 18 गेंदें बची हुई हैं, क्या कोई चमत्कार होगा, क्या रॉयल स्ट्राइकर्स को यहाँ जीत मिलेगी या नहीं, ये फैसला करने के लिए टीम के जो प्रमुख हथियार हैं शफी क्रीज पे हैं, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, विकेट कीपर ऑन साइड की ओर कुछ इशारा कर रहे हैं, शाहिद सलमान ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने की तैयारी में, लेग स्टंप का नए सिरे से गौर लिया बिलाल ने अंपायर से, अब वो तैयार हो रहे हैं सामना करने की तैयारी में, सामना करेंगे शाहिद सलमान का, शाहिद सलमान ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे, कमेंट्री बॉक्स छोर से
वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं। सामने हैं बिलाल, दाएं हाथ के बल्लेबाज बिलाल, बल्ला हवा में झूलता हुआ बिलाल का, सामना करेंगे शाहिद सलमान का। शाहिद सलमान के गेंद ओवर द स्टंप्स खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, ऑफ स्टंप के काफ़ी करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। अब 17 गेंदें बची हुई हैं, 15 रन चाहिए जीतने के लिए। शाहिद सलमान ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्लिप कॉर्डन में एक खिलाड़ी हैं, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी हैं, बैकवर्ड पॉइंट तो दायरे के अंदर है, पॉइंट के जो खिलाड़ी हैं वो भी दायरे के अंदर नज़र आ रहे हैं, कवर लगाया गया है, हालांकि अब जाके पॉइंट के खिलाड़ी को तैनात किया गया, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। शाहिद सलमान ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। बिलाल को इस बार फिर से खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके स्ट्रोक लेने से, बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद जाके टकराई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। अभी भी 15 चाहिए जीतने के लिए, 16 गेंदें बची हुई हैं और देखना होगा यहाँ से ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या यहाँ जीत नसीब होगी हार्थरस स्ट्राइकर्स को या रॉयल स्ट्राइकर्स को जीत मिलेगी। ऑफ स्टंप से बाहर फिर से खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया, विकेट कीपर जो स्टंप से ज़्यादा दूर तो है नहीं, आधी इस टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। बिलाल सामना करेंगे, इस बार खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, गेंद लेग स्टंप के साथ जाके टकराई, इस तरह से एक और झटका लगा, कुल मिलाकर छठा झटका लगा, 109, 6 विकेटों के नुकसान पर, 15 चाहिए जीतने के लिए, 14 गेंदें बची हुई हैं। यहां से एक और विकेट अगर गिरेगी तो यकीनन मैच में वापसी होगी यहां रॉयल स्ट्राइकर्स के खिलाफ हार्थरस स्ट्राइकर्स के। हार्थरस स्ट्राइकर्स के जो कप्तान हैं जाहिद बाबर, उनका एक ओवर अभी भी बचा हुआ है और ऐसे में वो ज़रूर चाहेंगे उसका सही इस्तेमाल किया जाए। शाहिद सलमान एक सफलता उन्होंने अर्जित की, कमेंट्री बॉक्स छोड़ से वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज डगआउट से हसीब शायद नमूदार हुए हैं, हसीब गुरु वो बाएं हाथ के बल्लेबाज, उन्हें तलब किया गया है, वहाँ स्ट्राइक लेने की तैयारी में रहेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं हसीब। शाहिद सलमान वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, इस विकेट ने जो ये विकेट हासिल की गई, खोया हुआ रोमांच वापस लौट आया इस मैच में और ऐसे में ये टीम के कप्तान चाहेंगे यहाँ एक विकेट हासिल की जाए। एक विकेट मिलेगी यकीनन पकड़ होगी मैच पर फिर हार्थरस स्ट्राइकर्स की। जाहिद खान जो टीम के कप्तान हैं लगातार फेरबदल कर रहे हैं फील्ड में, अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में, वो सामना करेंगे शाहिद सलमान का। शाहिद सलमान दाएं हाथ के गेंदबाज, ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेग स्टंप का गार्ड लिया, अब वो तैयार हो रहे हैं सामना करने की तैयारी में। स्लिप कॉर्डन में एक खिलाड़ी, थर्ड मैन है, पॉइंट दायरे के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट भी दायरे के अंदर है, क्योंकि कवर और लॉन्ग ऑफ लगाया गया है। ये है ऑफ और ऑन साइड की फील्ड, इस बार सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, एक रन खाते में। अब 13 गेंदें बची हुई हैं, जीतने के लिए जो रन चाहिए, कुल मिलाकर 14 रन चाहिए 13 गेंदों पर। एक ओवर जो कम खेला यहाँ हार्थरस स्ट्राइकर्स ने, कुछ देरी के साथ टीम यहाँ पहुँची, 19 ओवर उन्हें खेलने को मिले, जबकि जो विपक्षी टीम है उन्हें 20 ओवर खेलने को मिले, और वो चुभता होगा टीम के कप्तान को, 14 रन चाहिए जीतने के लिए, 13 गेंदें बची हुई हैं। शफी हैं स्ट्राइक पर, शफी सामना करेंगे गेंदबाज शाहिद सलमान का। शाहिद सलमान दाएं हाथ के गेंदबाज, शफी को ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ला चलाया, रन के लिए दौड़ पड़े, डायरेक्ट हिट चाहिए विकेट हासिल करने के लिए, पर गेंद स्टंप पर नहीं लगी इस एक रन के साथ। अब 12 गेंदें बची हुई हैं, जीतने के लिए जो रन चाहिए 13 रन, 12 गेंदों पर चाहिए 13 रन। दाएं हाथ के बल्लेबाज शफी रहेंगे स्ट्राइक पर और जाहिद बाबा ओवर करने के लिए जाएंगे, यकीनन वो टीम के कप्तान हैं, और 12 गेंदें चाहिए, 12 गेंदों पर 13 रन चाहिए जीतने के लिए, जाहिद बाबा गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिद बाबा जाहिद खान ना वो गेंदने के लिए तैयार हो रहे हैं, 12 गेंदे शेष, 13 रन चाहिए जीतने के लिए। जाहिद खान एक ऐसा नाम, इसके पास क्षमता है, किसी भी मैच को ये जिता सकते हैं अपनी टीम के लिए,
और वो चाहेंगे यहाँ विकेट हासिल की जाए, खासकर शफी की। शफी, मंजे और जमे हुए बल्लेबाज, दायित्व तो होगा उन पर टीम को यहाँ विजय दिलाना। क्या करेंगे शफी, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामना करेंगे जाहिद खान का। जाहिद खान ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑफ की ओर लिया गया स्ट्रोक। वहाँ उमर तैयार हैं, उमर अजीज ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, एक रन खाते में। इस एक रन की बदौलत अब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पे। वो जाहिद नहीं चाहेंगे लेग स्टंप के आसपास उसको गेंद की जाए, क्योंकि बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं उनका ऑन साइड तो हमेशा मजबूत होता है, और ऐसे में रन चाहिए 12 जीतने के लिए। गहरा गेंदें बची हुई हैं, जाहिद खान अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिद खान ओवर द स्टंप से वो गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाज हसीब के लिए। हसीब बाएं हाथ के गेंदबाज, ऑन साइड में अब फील्ड सेट की जा रही है। डीप फाइन लेग हैं, सुकर लेग हैं, मिड विकेट हैं, और शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर लॉन्ग ऑन भी लगाया गया है। 5-4 की फील्ड के साथ इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी पहुंचे, शॉट मिड विकेट से खिलाड़ी आए। गेंदबाज ने भी कुछ कोशिश तो जरूर की थी, पर वो गेंद को कैच करने में उन्हें सफलता नहीं मिली। अब शफी आए स्ट्राइक पर, 10 गेंदें बची हुई हैं, 11 रन चाहिए जीतने के लिए। मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ, 11 चाहिए जीतने के लिए, 10 गेंदें बची हुई हैं। जाहिद खान इस ओवर में अगली बार, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, फॉलो थ्रू में गेंद को फीड किया, और लगातार डॉट गेंदों से प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है यहां। और जाहिद खान ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आसान नहीं रहेगा फिर अंतिम ओवर में यहां बड़ा स्ट्रोक लेना। अभी भी जीतने के लिए 11 रन चाहिए, 9 गेंदें बची हुई हैं। जाहिद खान ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, ओवर द स्टंप तेज कदमों के साथ शफी को। शफी ने किया कदमों का इस्तेमाल, गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, एक और रन खाते में। इस एक रन की बदौलत अब अभी भी जो रन चाहिए 10 रन, 8 गेंदें बची हुई हैं। इस ओवर में केवल 3 रन आए हैं अब तक, एक अच्छा ओवर जा रहा है यकीनन, एक अच्छा ओवर। अगर कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आएगा इन 2 गेंदों पर, चाहेंगे टीम के कप्तान जाहिद खान कि कोई ज़्यादा आज़ादी ना दी जाए बल्लेबाजों को। और ऐसे में हसीब गुरु सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामना करेंगे दाएं हाथ के गेंदबाज जाहिद खान का। जाहिद खान की गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, उस दिशा में खिलाड़ी हैं शाहिद सलमान, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, एक और रन का इजाफा। अब 9 रन चाहिए जीतने के लिए, 7 गेंदें बची हुई हैं। मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ, यहां से देखना होगा जीत किसकी होगी। और शफी इस टीम के मायानाज बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे हैं शफी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं हसीब। फिर से कदमों का इस्तेमाल, जाहिद बाबर के खिलाफ ये लिया गया स्ट्रोक, एक रन तो पूरा किया गया, क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं। और अंत में 2 रन मिले इस गेंद पर, इन 2 रनों की बदौलत ये 19वां ओवर पारी का समाप्त हुआ। आखिरी ओवर का खेल आना बाकी, और जीतने के लिए चाहिए 7 रन, केवल एक रन मिल सकता था इस गेंद पर, पर हल्का सा फंबल हुआ, उसका लाभ मिला यहां बल्लेबाजों को, जहां केवल एक रन मिलना चाहिए था, 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। 7 रन चाहिए जीतने के लिए, 6 गेंदें बची हुई हैं, एक दायरा बनाया यहां हार्थ्रब स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों ने, एक दायरा जो बनाया उसमें बातचीत हो रही है कि किस गेंदबाज का यहां इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसे में टीम के कप्तान वो चाहेंगे जो उनके जो प्रमुख हथियार होगा इस टीम का, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्या शाहिद सलमान को ही तलब किया गया, ऐसा लग रहा है शाहिद के हाथ में गेंद है, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 117 हुआ टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर, 6 गेंदों पर 7 रन, मैच एक रोमांचक स्थिति में दाखिल हुआ है। तारीफ करनी होगी जाहिद खान, और इससे पहले जो शाहिद सलमान ने ओवर किया था उसमें उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए थे, और अब ये देखने लायक होगा कि इस ओवर में कितने रन बना पाएंगे यहाँ बल्लेबाज, क्या जीत मिलेगी मीर्स रॉयल स्ट्राइकर्स को या नहीं। 6 गेंदें बची हुई हैं, जीतने के लिए चाहिए 7 रन, 6 गेंदें 7 रन चाहिए जीतने के लिए। हसीब लेफ्टी हैं क्रीज पे, शफी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, शाहिद सलमान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शाहिद सलमान शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे जो खिलाड़ी हैं उसकी तरफ कुछ इशारा किया गया, फील्ड को सेट किया जा रहा है। 6 गेंदें अभी शेष हैं, 7 रन चाहिए जीतने के लिए, शॉर्ट थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी हैं,
कवर लगाया गया है, बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर है, एक दीवार खड़ा किया गया है ऑफ साइड में, स्लिप कॉलन में एक खिलाड़ी है विकेट कीपर के अलावा, और बाएं हाथ के बल्लेबाज वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्ला हवा में झूलता हुआ सामना करेंगे शाहिद सलमान का, 7 चाहिए जीतने के लिए, 6 गेंदें बची हुई हैं। शाहिद सलमान ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे, दाएं हाथ के गेंदबाज ऑन साइड में, स्क्वायर लेग मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ियों को तैनात किया गया। इस बार लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, क्या गेंद शरीर के साथ जाके टकराई या नहीं, और कोई इशारा नहीं है अंपायर का, और ऐसे में शायद शरीर के साथ टकराई थी, और रन तो नहीं मिलेगा। 5 गेंदें अभी भी शेष हैं, और 5 गेंदें शेष, जीतने के लिए चाहिए 7 रन। शायद लेग स्टंप के ऊपर से यह गेंद चली गई थी, क्योंकि काफ़ी शफल किया था, ऑफ साइड की ओर चले गए थे, ऑन साइड में उन्होंने जगह बनाई थी स्ट्रोक खेलने के लिए। अब 5 गेंदें, 7 रन चाहिए जीतने के लिए। शाहिद सलमान इस ओर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक, पहले रन के लिए वो दौड़ पड़े, क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं, शफी ने इरादा किया है दूसरा रन लेना है, थ्रो सटीक नहीं है, दूसरा रन भी मिलेगा, अब वो जा रहे हैं तीसरे रन के लिए, रन आउट का खतरा, और क्रीज से बाहर पाएंगे बल्लेबाज, इस तरह से रन आउट हुए हैं यहां शफी, उन्हें वापस जाना होगा। 2 रन आए हैं इस गेंद पर, और 2 रन मिले हैं इस गेंद पर, जबकि रन आउट के रूप में शफी को वापस जाना होगा। अब जो रन चाहिए जीतने के लिए, 5 रन, 4 गेंदें बची हुई हैं, 5 रन चाहिए जीतने के लिए इस मैच को। और अभी भी देखा जाए, दो रन आए हैं इस गेंद पर, अभी 5 रन चाहिए जीतने के लिए। सात झटके लगे, 121 हुआ टीम का स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर, 5 रन चाहिए जीतने के लिए, जबकि 4 गेंदें बची हुई हैं, 4 गेंदों पर 5 रन, शाहिद सलमान के हाथ में गेंद है, और मैच एक रोमांचक स्थिति में दाखिल हुआ है, और ऐसे में जो वीवर बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर, उनके लिए एक अच्छा मुकाबला आ रहा है उनकी ओर, और मैंने पहले भी इस बात की जिक्र की कि आप कहीं जाइएगा नहीं, एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, 5 चाहिए जीतने के लिए, 4 गेंदें बची हुई हैं, और 7 रन चाहिए जीतने के लिए, हालांकि 5 रन चाहिए जीतने के लिए, 7 झटके लगे, 119, 7 विकेटों के नुकसान पर, और जो स्थिति है इस मैच की, पांच रन चाहिए जीतने के लिए, 4 गेंदे शेष, इस बार गेंद को खेला, गेंद मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, 6 रनों के लिए, शॉर्ट गेंद कर बैठे शाहिद सलमान, और ऑन साइड में स्ट्रोक लिया गया उस दिशा में जहां गेंद को वापस लाना अब तो मुश्किल है, और गेंद बाउंड्री पार चली गई 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ यहां विजय हासिल की, एक खूबसूरत मैदान, हार्थरथ स्ट्राइकर्स के जो कप्तान हैं आप उन्हें देख सकते हो, वो मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं, उमर अजीज भी उस ओर जा रहे हैं, और यहां से खबर यही है कि हार्थरथ स्ट्राइकर्स ये मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुई, मीर्स रॉयल स्ट्राइकर्स ने इस मैच को अपने नाम किया। हम आपसे विदा चाहेंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।